गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, इन योर प्रीवियस वीडियो वी हैव रीड अबाउट यूजेज ऑफ प्लांट्स. हम लोगों ने यूजेज ऑफ प्लांट्स पढ़ा था एंड दिस पेज यू हैव मेड यू इन योर होमवर्क. ये पेज आप लोगों ने अपने होमवर्क में बनाया भी था. फ्लावर्स, कॉटन प्लांट्स और टी लीव्स का क्या यूज है, ठीक है. इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग खा सकते हैं, जो एडिबल होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं. सारे प्लांट्स का हम लोग सारा पार्ट्स नहीं खा सकते हैं. रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, सीड्स जो होते हैं ना प्लांट्स के पार्ट, वो कुछ ही प्लांट्स का हम लोग खा सकते हैं, सारे प्लांट्स का नहीं खा सकते हैं. तो कुछ प्लांट्स का हम लोग खा सकते हैं वो हम लोगों ने देखा था, और आप लोगों ने उसको फिर समझ करके यहाँ पर फिल भी किया था कॉपी में और बुक में. तो आज हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स से और हम लोग को क्या क्या मिलता है. तो क्या देखेंगे हम लोग? वेजिटेबल्स और फ्रूट्स. स्टूडेंट्स, जो भी वेजिटेबल व जो भी वेजिटेबल जो मम्मा आपकी घर पर बनाती हैं आपके लिए, रेडिश हो, पटेटो है, कैबेज है, ब्रोकली है, कॉर्न है, पम्पकिन है, लेडीज फिंगर है, ये सारे वेजिटेबल्स, वेयर डज दिस ऑल कम फ्रॉम? ये सारे कहाँ से मिलते हैं हम लोग को? दिस ऑल कम फ्रॉम प्लांट्स. ये सारे के सारे हम लोग को प्लांट्स से मिलते हैं. आप बाकी ये आपको पता है कि रेडिश, पोटैटो, कैबेज, ब्रोकली जो होते हैं सारे प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स के होते हैं ना. कोई स्टेम है तो कोई फ्लावर है, कोई सीड्स है इसके, ठीक है. तो उसके बाद जो फ्रूट्स है, देखो नेक्स्ट है हमारा फ्रूट्स. ये सारे फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स है, फ्रूट्स कैसे होते हैं खाने में? मीठे होते हैं, स्वीट्स होते हैं ना, कितना टेस्टी लगते हैं, टेस्टी लगता है फ्रूट्स को खाना. तो सारे फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स आप लोगों ने आज तक खाया है, एप्पल, मैंगो, गावा, ऑरेंज, ग्रेप्स, वाटरमेलन, मस्क मेलन, लीची, जो भी फ्रूट्स आप लोगों ने खाया है, सारे के सारे दे ऑल कम फ्रॉम प्लांट्स. ये सारे के सारे कहाँ से आते हैं हम लोग को? प्लांट्स से मिलते हैं. और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है ना हम लोग को हेल्दी रखते हैं. वेजिटेबल्स बोलते हैं ना, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है. फ्रूट्स क्या होता है? फ्रूट्स भी बहुत हेल्दी रहते हैं. फ्रूट्स खाएंगे तो हम लोग भी हेल्दी ग्रोथ होगा, है ना. एप्पल के बारे में भी कहा जाता है ना, एप्पल एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. एक आप एक एप्पल रोज खाओगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो सारे फ्रूट्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एप्पल का ही फायदा है, सारे फ्रूट्स का कुछ ना कुछ फायदा है. सारे वेजिटेबल्स का हम लोग के बॉडी को कुछ ना कुछ फायदा मिलता है. तो हम लोग को फ्रूट्स और वेजिटेबल जितना हो सके उतना खाना चाहिए ना. बाहर के स्नैक्स नहीं खाना चाहिए ज्यादा, और हम लोग को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा खाने चाहिए. नेक्स्ट क्या जो हमको प्लांट से मिलता है? सीरियल्स, अनाज होता है ना, जिसको चावल, गेहूं, जो हम लोग अपने फूड में मील में खाते हैं, दैट उसको ग्रेन्स, दाने जो जिसको पका करके हम लोग खाते हैं ना, उसको सीरियल्स बोलते हैं. देखो ग्रेन्स दिखा भी है, ग्रेन्स दैट वी कैन ईट आर कॉल्ड सीरियल्स. ग्रेन्स दाने, वो जो हम लोग खाते हैं उसको अनाज बोलते हैं, उसको सीरियल्स बोलते हैं. जैसे राइस है, वीट है, मेज है, ओट है, बार्ली है, ज्वार है, आर एग्जाम्पल ऑफ सीरियल्स. अच्छा, आपने सब सब तो देखा होगा ये ज्वार, ज्वार बाजरा तो आप लोगों को देखा होगा. देखो ज्वार कैसा दिखता है नजदीक से, ये ज्वार है, ठीक है. तो ये सारे जो सीरियल्स है वी ऑल ईट दिस. और सारे सीरियल्स में ना फाइबर होता है, फाइबर जो हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को है ना बहुत अच्छा स्ट्रांग रखता है. हम लोग जो भी खाते हैं उसको अच्छे से डाइजेस्ट करता है. तो सारे के सारे बहुत ही हेल्दी होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्या देखो हमारा? पल्सेस, पल्सेस दाल, जिसमें प्रोटीन होता है, बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, जो हमारी हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है. हम लोग अक्सर चावल के साथ दाल क्यों खाते हैं? क्योंकि हम लोगों को दाल से प्रोटीन मिलता है, वो हम लोग को कंप्लीट मील देता है, पूरा खाना देता है. सीड लाइक ग्राम, जैसे कि सीड बीज, जैसे कि ग्राम, चना जिसको बोलते हैं लेंटिल, मसूर की दाल होती है ना जो पिंक पिंक, देखो ये पिंक, ये इसमें है ना अभी स्किन है मसूर की दाल का, अगर इसका स्किन हट जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा? पिंक दिखेगा आपको, पिंक पिंक छोटे छोटे होते हैं ना गोल गोल, उसको मसूर की दाल बोलते हैं. आप मम्मा से पूछना अपने घर में कि मसूर की दाल कौन सी, मम्मा आपको निकाल के दिखाएंगे, ठीक है. बीन्स होते हैं, ड्राई बीन्स, बीन्स बहुत तरह के होते हैं, ड्राई बीन्स, मूंग बीन्स, किडनी बीन्स, किडनी बीन्स जिसको हम लोग राजमा बोलते हैं ना. देखो यहाँ पे तीनों बीन्स का पिक्चर्स भी दिया हुआ है, ठीक है. तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? पल्सेस होते हैं, वैसे सीड्स जिसको हम लोग खा सकते हैं, जिसको खाने से हमको प्रोटीन मिलता है, जो हमारे हेल्दी ग्रोथ में हमारा हेल्प करता है, हमारे बॉडी को अच्छे से ग्रो करता है. ग्रो करने में बहुत जरूरी होता है प्रोटीन. तो ये सारे पल्सेस होते हैं, ठीक है. सीड्स, वैसे सीड जिसको हम लोग खा सकते हैं उसको पल्सेस बोलते हैं. सीड्स दैट वी ईट आर कॉल्ड पल्सेस, है ना. अगर पूछेंगे कभी किसी ने पूछ दिया कि वाटर पल्सेस, तो क्या बोलोगे? सीड्स दैट वी कैन ईट,
बीज जो हम लोग खा सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्सेस बोलते हैं। ओके क्लियर है, गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा क्या है, स्पाइसेस, मसाला, जिसको हम लोग मसाले बोलते हैं, जो हमारे खाने में ना जिससे मजा मिलता है, फ्लेवर फ्लेवर ऐड होता है खाना। अगर अब कोई भी सब्जी बनाओ उसमें कोई स्पाइसेस नहीं डालो, ना चिली डालो, ना मिर्च डालो, ना हल्दी डालो, ना धनिया डालो, ना सॉल्ट डालो, ना ऑयल डालो, अब कोई भी स्पाइसेस मत डालो। और उसके बाद उस वेजिटेबल्स को खाओ, कैसा लगेगा, बॉयल, अच्छा नहीं लगेगा ना। अगर यही सारे मसाले आप उस वेजिटेबल्स में डाल करके मम्मा बनाती हैं तो टेस्टी लगता है खाने में। क्यों? क्योंकि स्पाइसेस जो है हमारे खाने में फ्लेवर ऐड करती है, मज़ा ऐड करते हैं ना। स्पाइसेस का, मसालों का यही काम होता है। और मसाले स्पाइसेस बहुत तरह के होते हैं। देखो, ब्लैक पेपर होता है जिसको हम लोग गोल मिर्च बोलते हैं, टर्मरिक हल्दी होता है, क्यूमिन, क्यूमिन मीन्स क्या होता है, जीरा होता है, ठीक है, फेनिल जिसको हम लोग सोप बोलते हैं, ठीक है, टर्मरिक हल्दी तो आपको पता है, कार्डमम छोटी इलायची होता है, ये सारे स्पाइसेस होते हैं। और स्पाइसेस का काम ही होता है हमारे फूड में फ्लेवर ऐड करना। स्पाइसेस आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट ऐड फ्लेवर टू आवर फूड। स्पाइसेस प्लांट्स के वैसे पार्ट होते हैं जो हमारे खाने में फ्लेवर ऐड करते हैं, मज़ा ऐड करते हैं। ओके नेक्स्ट है, देखो हमारा एक और चीज़ हम लोग को प्लांट से मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट, नट्स। क्या होता है नट्स, नट्स में है ना बाहर से ना हार्ड कवर होता है, उसका जो बाहर का जो परत होता है ना, शेल होता है, वो थोड़ा हार्ड होता है, जैसे कि कोकोनट, नारियल देखा कभी, उसका जो बाहरी हिस्सा होता है, आउटर पार्ट होता है, वो बहुत ही हार्ड होता है, उसको आपको ब्रेक करना पड़ता है ना किसी चीज से। आलमंड, वॉलनट, फिर ड्राइड एप्रिकॉट, कैच्यू नट एंड कॉमन नट्स, ये सारे जो क्या है, ये सारे के सारे नट्स हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन इसमें होता है, ये हमारे बॉडी को, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये सारे नट्स हम लोगों को खाने चाहिए, दीज आर वेरी हेल्दी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को क्या मिलता है प्लांट से, प्लांट से हम लोग को मिलता है नेक्स्ट ऑयल्स, तेल, जिस जो हम लोग अपने फूड में डालते हैं, वेजिटेबल्स में मम्मा डाल करके जिसको कुक करती है ना। ये ऑयल्स कहाँ से मिलता है, ये ऑयल पता है जो प्लांट्स के सीड होते हैं ना, बीज होते हैं, उसको उसमें से ये ऑयल्स निकाला जाता है, उस बीज को पीस करके, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल होता है ना, जिसको हम लोग सरसों का तेल बोलते हैं, वो तेल सनफ्लावर के बीज से उसको पीस करके निकाला जाता है। कोकोनट ऑयल, कोकोनट को पीस करके उसमें से ऑयल निकाला जाता है। मूंगफली ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल जिसको बोलते हैं, तो वो भी क्या निकाला जाता है, मूंगफली को पीस करके निकाला जाता है। ये तो सारे ऑयल जो है वो हर बहुत सारे काम में यूज होते हैं। एक तो हमारा कुकिंग में यूज होता है, और कोकोनट ऑयल हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं, कोकोनट ऑयल हम लोग अपने हेड पर है ना मसाज करने के लिए, हेयर ऑयल के जैसे यूज करते हैं, ठीक है। ये ऑलिव ऑयल भी होता है, जैतून का तेल जो भी, जो हम लोग उसको भी यूज करते हैं, ऑलिव को पीस करके निकाला जाता है। तो बहुत तरीके ऑयल होते हैं, बहुत तरह का ऑयल होता है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और दे ऑल गेट फ्रॉम, वी ऑल गेट ऑयल्स फ्रॉम द सीड्स और फ्रूट्स, और फ्रूट से भी कुछ ऑयल जो है वो फ्रूट से भी मिलता है, ठीक है। टी, कॉफी एंड शुगर, अब क्या हमारा मिलता है हमको प्लांट से, टी, कॉफी और शुगर, जिसको हम लोग जैसे जो भी पीने वाले जो सामान होते हैं ना, जिनको हम लोग पीते हैं, उसको बीवरेजेस बोलते हैं, बीवरेजेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि टी और कॉफी, ये क्या है, हमारे बीवरेजेस है, इनको पीते हैं हम लोग है ना, खाते नहीं, इनको पीते हैं। जैसे कि ये सारे कैसे ऑब्टेंड किया, टी, टी लीव से ऑब्टेंड किया जाता है, चाय की पत्ती से ऑब्टेंड किया जाता है, चाय की पत्ती से हम लोग को मिलता है। कॉफी, कॉफी का जो बीज होता है ना, उसको पीस करके कॉफी पाउडर बनाया जाता है, और हम लोग वाटर में मिक्स करते हैं कॉफी पाउडर, उससे फिर कॉफी कॉफी बनाते हैं। शुगर केन, गन्ना, गन्ने से हम लोग को क्या मिलता है, शुगर, चीनी मिलता है ना। शुगर केन का जो रस होता है ना, उसको मिल में बहुत ज़्यादा उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद उससे शुगर, चीनी बनाया जाता है, ठीक है। ये तो था, इतने सारे सामान हम लोग को प्लांट से मिलते हैं खाने के लिए। और भी बहुत सारे सामान है जो हम लोग डेली यूज के लिए हम लोग को प्लांट से मिलता है, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर का सेक्शन है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, एक वर्ड में, यू हैव टू आंसर ओनली इन वन वर्ड, आपको यहाँ पर एक वर्ड में आंसर देना। तो टी एंड कॉफी अदर टाइप्स ऑफ, अभी आपने ऊपर ही देखा ना, टी और कॉफी क्या है हमारे, क्या टाइप्स है इनका, इनको कौन से पार्ट में रखते हो, ये बीवरेजेस है, ठीक है, बीवरेजेस आप यहाँ प्लैंक्स में लिख देना। नंबर टू क्या है, प्लांट दैट आर यूज टू एड फ्लेवर टू अवर फूड, प्लांट्स जो हमारे खाने में फ्लेवर ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं,
तो उसको हम लोग स्पाइसेस बोलते हैं। फिर दे गिव अस प्रोटीन दैट आर नेसेसरी फॉर आवर ग्रोथ, और वो हम लोग को क्या देते हैं, वो सब जो हम लोगों को प्रोटीन देते हैं हमारे ग्रोथ के लिए जो जरूरी होता है उसको क्या बोलते हैं। तो वो क्या होता है जो हम लोग को प्रोटीन देता है, पल्सेस होता है ना, दाल होता है जिससे हम लोग को बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है जो हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ठीक है। ज्वार एंड वीट आर द एग्जाम्पल ऑफ, ज्वार और वीट क्या है, तो ये अनाज है ना, सीरियल्स है, तो क्या लिखेंगे हम लोग फॉर्म में, सीरियल्स लिखेंगे ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन आज के लिए बस इतना ही। प्लांट गिव अस फाइबर जो है, कौन कौन से फाइबर हम लोग को प्लांट से मिलते हैं, और भी है जो प्लांट से हम लोग को मेडिसिन मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को प्लांट से मिलती है, वी विल नो अबाउट दैट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।